शिल्पा जैन ने लिखा है, गुरुजी प्रणाम। ध्यान लगने पर आँखों की पुतलियाँ अपने आप ऊपर की तरफ चली जाती हैं और ध्यान दोनों भौहों के बीच आ जाता है। क्या ऐसा होता है, कृपया मार्गदर्शन दें। मैं समझता हूँ या तो तुम्हारे साथ ऐसा होता है या तुमने पूछा है कि क्या ऐसा होता है ध्यान में। तो ध्यान में इन सब चीज़ों की कोई आवश्यकता नहीं, किसी के साथ कैसा भी अनुभव घट सकता है, आँखों का और उसके फोकस का कैसा भी ढंग हो सकता है, इस सब का कोई महत्व नहीं है। आँखों की पुतलियाँ स्थिर रहें, ऊपर की तरफ जाएं, ध्यान दोनों भौहों के बीच आए या पुतलियों के बीच ही आ जाए या वो कहीं भी चला जाए, ध्यान का संतुलित हो जाना, सम्यक हो जाना उद्देश्य है। आँख बंद करते हैं, प्रतीक में ये चीज़ आ गई कि वो दोनों भावों के बीच ध्यान आ जाए। ये इसलिए नहीं कि दोनों भावों के बीच कोई बड़ी जादुई चीज़ है, ऐसा नहीं, ये एक संतुलन है। देखिए, दृष्टि आँखें हमारी दो हैं, दो आँखों के बीच का एक मध्य बिंदु, तो इसीलिए प्रतीक में ये बन गया कि मध्य में आना है, अपनी दृष्टि को मध्य में लाना है। अब ये एक समझ के तौर से भी मध्य में हो सकता है और जब आप अपने ध्यान को साध रहे हैं या उसको सधने दे रहे हैं, घटने दे रहे हैं, तब भी मध्य में ठहर जाना उचित है। तो जो हो रहा है वो उचित है, उसमें बहुत स्ट्रगल की ज़रूरत नहीं है।